And welcome to the exams made simple and this is economic survey revision. फर्स्ट uh, लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर देखा था पूरा और जिसमें हमने पूरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी इकोनॉमी का स्टेट था प्लस जो की टर्म्स थे जैसे कि पेंट अप डिमांड इस साल के सर्वे में आया था नया था प्लस बेसिक्स ऑफ द सर्वे हमने डिस्कस किया था आज हम चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर डिस्कस करेंगे चैप्टर थ्री सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट रेवेन्यू रेलिश सबसे पहले हम चैप्टर एट अ ग्लान्स मतलब कि जो की पॉइंट्स है बिल्कुल की पॉइंट्स एक तरह से इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए वो देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या क्या थे तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस

ग्रोथ देखने को मिली प्लस इंडा टैक्सेस में जो जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिली एंड जीएसटी हैज स्टेबिलाईज एज अ वाइटल रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अच्छे सोर्स के रूप में आ चुका है इसके अलावा इन यूनियन गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफी ज्यादा फोकस किया हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो यहां पे आप देख सकते हैं सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है दैट हैज स्टीडली इंक्रीज है ना एंड इस कारण से हमने देखा था कि क्राउड इन हुआ था क्राउड इन ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन मतलब कि और ज्यादा बढ़ गया था क्राउडिंग आउट मतलब घट जाना क्राउडिंग इन यानी थोड़ा बढ़ जाना इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एनहैंस द बोरोइंग सीलिंग्स टू प्रायोरिटाइज देयर स्पेंडिंग्स ऑन द कैपेक्स तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स कुछ प्रोवाइड किए गए स्टेट गवर्नमेंट को एंड उनकी बोरोइंग सीलिंग को भी बढ़ाया गया था ठीक है ना ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स भी

दूसरी का ट्रांसफर किया जाएगा तो उसमें ई वे बिल्स रखेंगे ताकि बीच में कोई चेंजेस ना किए जा सकें या जितनी क्वांटिटी माल की आपकी सोर्स से चली उतनी ही डेस्टिनेशन में पहुंचे उसमें बीच में कोई धांधली ना हो कोई पैसे की बचत ना कर पाए और उसका प्रॉपर टैक्सेशन हो सके तो ई वे बिल्स लाए गए इसके अलावा गवर्नमेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये सब टॉक टैक्स पॉलिसी के मेजर्स थे अब इस चैप्टर में भी बहुत सारे टर्म्स थे जो न्यूज़ में थे जैसे कि टैक्स बॉयेंसी तो टैक्स बॉयेंसी इज बेसिकली अंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स टू मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू चेंजेस इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री एक्चुअली टैक्स बॉयेंसी जब हम बोलते हैं ना तो वो देखा जाता है कि टैक्स कितना रेवेन्यू टैक्स का रेवेन्यू कितना बढ़ा जब जी आपकी बढ़ी मतलब देखो कॉमन सेंस लगाओ तो जी अगर आपकी बढ़ेगी तो टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए है ना क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होगा

डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द जीडीपी तो जीडीपी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसके रिस्पॉन्स में uh, आपके टैक्स में कितना चेंज हुआ तो अगर टैक्स बॉयसी की वैल्यू अगर टैक्स बॉयंसी इज ग्रेटर देन वन सपोज करो अगर ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब है कि टैक्स रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग फास्टर दैन द जी इसका मतलब क्या है कि टैक्स रेवेन्यू आपका जी के से ज़्यादा तेज तेजी से बढ़ रहा है भला सपोज़ करो कॉमन सेंस लगाओ ना आ, पहले आपका टैक्स कलेक्शन सपोज करो दस परसेंट की ग्रोथ अभी पंद्रह परसेंट की ग्रोथ है ठीक है ना और आपकी जीडीपी पहले पांच परसेंट थी अभी तीन परसेंट की है तो अगर हम ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो पंद्रह माइनस दस करेंगे तो वो आएगा आपका पांच परसेंट और आपका इधर आएगा पांच माइनस तीन दो करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है ना तो यहां पर जो अगर आप देखें कि ग्रोथ जो हुई है वो टैक्स में ज्यादा हुई है जीडीपी में कम हुई है तो इसलिए उसकी वैल्यू वन से ज्यादा है और अगर जीडीपी की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है लेकिन टैक्स की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ी तो वन से कम वैल्यू आएगी और अगर वन वैल्यू आ रही मतलब टैक्स उतना ही बढ़ा है टैक्स का रेवेन्यू उतना ही बढ़ा जितना आपकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल अगला टॉपिक है फिजकल ग्लाइड पाथ तो इकोनॉमिक्स में एक फिक्स फिजकल ग्लाइड पाथ नाम का टर्म होता है विच इज अ लॉन्ग टर्म प्लान और स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर रिड्यूसिंग द डेट और डेफिसिट ओवर टाइम मतलब कि गवर्नमेंट जो अपने डेट और डेफिसिट ओवर टाइम कम mm. करना चाहती है तो एक फिजिकल ग्लाइड पाथ में चलती है तो ग्लाइड पाथ इज बेसिकली यूज बिकॉज इट सजेस्ट अ ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग गवर्नमेंट कुल मिलाकर के अपने बोरोइंग्स को कम करना चाहती है या किसी तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी अगर एक्सपेंडिचर कम करेगी तो भी बोरोइंग कम होगी तो ये सब बेसिकली

इन सारे मेथड से आप कर सकते हो अब देखो यहाँ पे स्टेट्स क्या करते हैं स्टेट्स जैसे कुछ स्टेट्स के पास स्टेट्स uh, के पास प्रॉपर्टी टैक्स लेने की पावर रहती है तो जैसे साउथ के जो स्टेट्स हैं तमिलनाडु तेलंगाना केरला हो गए ये स्टेट्स क्या कर रहे हैं बेसिकली दे आर चेंजिंग देयर प्रॉपर्टी टैक्सेशन प्रैक्टिस एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रॉडन द टैक्स बेस इन द इन द फील्ड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ताकि वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा रहे अगर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो उनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे जब उनका रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है तो फिर उनका uh, जो मांगने वाला वो कम हो जाएगा so this is the thing. Uh, एक टर्म था कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने ऑलरेडी आपको बताया फिर बताता बता दूट द मनी कंपनीज टू अपग्रेड और एक्सटेंड द लाइफ ऑफ देयर एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं मीनिंग एसेट्स दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ वन ईयर और मोर तो यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करने के पर्पज से कोई चीज लेते हो चाहे वो मशीनरी हो गई या अपग्रेड कर रहे हो किसी मशीनरी को या किसी असेट के आप लाइफ एक्सपेंड 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 कर रहे हो एक्सटेंड कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा ठीक है ना तो इसमें आप प्रॉपर्टी ले सकते हो लैंड ले सकते हो कंप्यूटर्स ले सकते हो फर्नीचर सॉफ्टवेयर कुछ भी है एक तरीके से वन टाइम एक्सपेंडिचर भी हो सकता है ये जैसे लैंड आपने खरीदा तो वन टाइम एक्सपेंडिचर है या फिर एकोमिलेटेड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है जैसे कि आप डेवलप कर रहे हो किसी बिल्डिंग को लैंड पे तो आपका धीरे धीरे वो खर्चा होगा ठीक है ना एंड दिस इज द थिंग विच इज देयर इसके अलावा एक टर्म था नॉन टैक्स रेवेन्यू तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर क्या

है ना टैक्स से नहीं मिल रही है आपको और इन्वेस्टमेंट से किसी मतलब आपने किसी शेयर में लगाए थे उसका प्राइस बढ़ गया हो तो उसका आपको जो इनकम मिल रहा है वो भी टैक्स का इनकम नहीं है या बैंक अकाउंट में आपने पैसा डाला था वो बढ़ गया तो वो भी आपका इनकम टैक्स का नहीं है ना अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स लिखे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं करंट कंपोनेंट होता है कैपिटल कंपोनेंट होता है करंट के भी दो होते हैं एक विजिबल होता है एक इनविजिबल होता है विजिबल में गुड्स जो आप सेल करते हैं उसका इनकम आता है और इनविजिबल में एस आई टी आ दिखेगा सर्विस इनकम और ट्रांस ट्रांसफर सर्विसेज इनकम और ट्रांसफर मतलब सर्विसेज का जो सेलिंग होता है उससे जो पैसा आ रहा है वो इंडिविजल में आएगा इनकम में आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट और डिविडेंट आता है और ट्रांसफर यानी कि टी ट्रांसफर में रेमिटेंस डोनेशन गिफ्ट आता है ठीक है ना वहीं कैपिटल अकाउंट जो है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट आया इन्वेस्टमेंट में आपका एफ डी आया है ना लोन्स आया जैसे गवर्नमेंट ने बोरो किया या कमर्शियल बोरोइंग हुई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वो आई या बैंकिंग कैपिटल जो है आपने लिया तो वो सारा कैपिटल अकाउंट में आता तो ये एक का, फोटोग्राफ काफी रहेगी आपको बताने के लिए आई होप यू गॉट क्लैरिटी अब अगर हम इकोनॉमिक सर्वे को देखें कि कहां से कितना पार्ट आया तो जो डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे अधिक जो कलेक्शन हुआ है वो आपका कहां से हुआ है वो आपका हुआ है कॉरपोरेशन टैक्स ठीक है ना कॉर्पोरेशन टैक्सेस से आप देख सकते हैं यहां पे आपको कलेक्शन मिला डायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा कंपोनेंट है इनकम टैक्सेस है ना तो इनकम टैक्स पे जो आपको मिला तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ दिस ओनली है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके कौन कौन से आते हैं तो कस्टम्स आते हैं कस्टम टैक्सेस आते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटीज आती हैं सर्विस टैक्स आता है जीएसटी आता है ना ये सारी चीजें अब यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं परसेंटेज कितना रहा किसका यूनियन uh, uh, मतलब जो सोर्सेज बताता है तो सबसे ज्यादा जो कलेक्शन हुआ है ना वो आपका हुआ है आपका जी से कलेक्शन ट्वेंटी जो कलेक्शन हुआ है वो जी से हुआ है है ना और uh, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पर्सनल इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेशन इनकम टैक्स तो कॉर्पोरेशन टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स का भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन था 26 26 परसेंट का और कस्टम्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी तो एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन ज़्यादा था कस्टम्स से यूनियन एक्साइज ड्यूटी बारह है और कस्टम्स आठ है तो आप देख सकते हैं आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल आपको ये भी समझ में आ गया होगा यहाँ पे फिर वही ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा कलेक्शन किस चीज़ का जैसे डायरेक्ट टैक्सेस का अगर आप देखें तो बारह दशमलव नौ परसेंट से बढ़ के तेईस दशमलव नौ परसेंट है जिसमें कि अगर अपन कॉरपोरेट इनकम टैक्स का देखें इनकम वो भी बढ़ा है और आपका पर्सनल इनकम टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है ठीक है ना एंड यहाँ पे रेवेन एक्सपेंडिचर का जो मेजर था एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहाँ कहाँ खर्चा होता है ये सब भी नोट कर लेना कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जैसे मैंने ऊपर टैक्सेस बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये चीज़ें आती हैं सैलरीज हो गया पेंशन uh, हो गया इंटरेस्ट पेमेंट हो गया सब्सिडीज़ हो गए डिफेंस सर्विसेज हो गए ये सब आपके रेवेन्यू uh, एक्सपेंडिचर का हिस्सा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो आप खर्चा सबसे सैलरी में कितना ज़्यादा दिया गया है है ना एंड uh, सबसे ज़्यादा वैसे दिया गया इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में देखो यहाँ पे लिखा है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है ये देखो नाइन पॉइंट फोर वन करोड़ का है ना फिनेंशियल ईयर दो हज़ार इसमें और इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है देखो अगर आप पिछले उसका देखेंगे तो सब्सिडीज़ में बहुत खर्चा हुआ था लेकिन इस बार सब्सिडीज़ का थोड़ा सा कम किया गया है और सैलरी में बढ़ा है खर्चा है ना सैलरीज़ का खर्चा बढ़ गया है, है ना अब तो सैलरीज का बढ़ा रहेगा तो ये आप देख सकते हैं इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं यूनियन बजट में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर जैसे कि फिजिकल ट्रांसपेरेंसी एंड रियलिस्टिक रेवेन्यू एजम्पन्स बनाए गए हैं बजट में फिजिकल ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी दी गई कि ज़्यादा ओपन रहे चीज़ें कोई जैसे हिडन चार्जेस हिडन टैक्सेज इस तरीके की चीज़ें ना रहें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की बात की गई है दूसरा नॉन प्लान क्लासिफ पहले जो था प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर तो उसमें जो नॉन प्लान वाली कैटेगरी थी वो हटा दी गई है ठीक है ना द नॉन प्लान कैटेगरी हैज़ नाउ बीन रिमूवड फ्रॉम दैट तो ये भी एक तरीके का

Uh, तो सबसे पहले आरबीआई ने अभी रिसेंटली मॉनिटरी स्टार्ट कर दिया होता है ना तो रेपो रेट को बढ़ा देता है ना, देता है। ही पॉलिसी रेट होता है, ना? तो क्यों रेपो रेट को बढ़ाता है ताकि जो बैंक्स हैं उनको लोन महंगे पड़े अब बैंक्स को अगर लोन महंगा पड़ेगा आरबीआई से तो बैंक्स भी अपने लोन महंगे कर देंगे बैंक्स जब अपने लोन महंगे करेंगे तो लोग जाकर के लोन नहीं लेंगे क्योंकि उनका

तरीके से ये बढ़ता घटता ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसके अलावा आप देखें अगर तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट सी आर ए आर जो था वो हेल्दी था हमारे इंडिया का सिक्सटीन परसेंट के आसपास था मैंने आपको उस दिन बताया था इसकी वैल्यू सी आर ए आर क्या होता है कि आप कितने ज़्यादा अपने जो लॉस है उसको अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हो अपने पास कितना तो नाइन परसेंट की वैल्यू मैंने बताया कि बताई थी इंडिया ने रखी है आठ परसेंट बेसल में है और नौ परसेंट आर बी आई ने बताई है तो इंडिया के पास सिक्सटीन परसेंट है सिक्सटी है तो ज़्यादा बेटर है है ना एंड इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के थ्रू रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है तो ये बेसिक आपको सिर्फ इस जो फोर्थ चैप्टर है ना उसमें तो केवल आपको इतने ही चीजें आप पढ़े और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मॉनिटरी टाइटनिंग के बारे में ही लिखा हुआ है किस तरीके से आरबीआई ने किया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो कंसेप्ट है वो उस पर ध्यान देना है कि क्यों हॉकिश मनी पॉलिसी क्यों टाइटनिंग की जाती है और किस तरीके से आरबीआई अपने रेट्स को बढ़ाता है ठीक है ना तो दैट इज इट टिल देन हैव अ नाइस डे कीप लविंग एस